पंजाब में प्रचंड जीत के बाद सत्ता में आई भगवंत मान सरकार काफी एक्शन में नजर आ रही है। वहीं शनिवार को भगवंत मान सरकार को सत्ता में आए एक महीना पूरा हो गया। इस मौके पर सूबे की सरकार ने आम जनता को राहत देते हुए बड़ा ऐलान करते हुए 1 जुलाई से प्रदेश में हर घर को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का ऐलान कर दिया है। वहीं इस मौके पर प्रदेश सरकार ने अपने 30 दिन के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड भी जारी किया कि 1 जुलाई 2022 तो, जी हाँ 1 जुलाई 2022 तो पंजाब दे हर परिवार नू 300 यूनिट पर मंथ यानी कि 300 यूनिट एक महीने की फ्री बिजली मिलेगी, तो 2 महीने का 600 यूनिट हो गया। जेडे एससी परिवार ने, बीसी परिवार ने, बीपीएल परिवार ने या फ्रीडम फाइटर ने, उन्होंने पहला 200 यूनिट जोड़ा वो फ्री मिलते सी, हुण उन्होंने भी 300 यूनिट पर मंथ बिजली मिलेगी। जे वह 2 महीनों के 600 तो उपर बिजली इस्तेमाल करते हैं, फर्ज कर लो 640 यूनिट उन्होंने 2 महीनों के बिजली इस्तेमाल होगी या 645 यूनिट इस्तेमाल होगी, तो उन्होंने सिर्फ 40 या 45 600 तो उपर जिन्हें भी ने उन्होंने ही बिल देना पड़ेगा। इस एक महीने में भगवंत मान ने फ्री बिजली के साथ साथ कई बड़े ऐलान भी किए हैं। आइए आपको बताते हैं कि मान सरकार ने इस एक महीने के कार्यकाल में क्या क्या वादे पूरे किए। पहली कैबिनेट मीटिंग में युवाओं को 25,000 नौकरियां देने का ऐलान, स्कूल फीस में बढ़त पर भी लगाम लगाने की घोषणा, आटा दाल योजना के तहत लाभार्थियों के घर पर अनाज पहुंचाना, अधिकारियों से फील्ड पर जाकर लोगों की परेशानियां सुनने का आदेश, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन करना, कई विधायकों की पेंशन खत्म करने का आदेश, शहादत दिवस पर एंटी करप्शन हेल्पलाइन की शुरुआत। बहरहाल पंजाब सरकार ने फ्री बिजली का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन इससे राज्य पर 23,000 करोड़ से ज्यादा का अतिरिक्त बोझ पड़ना तो तय है। जानकारों के मुताबिक 300 यूनिट बिजली फ्री देने पर अब कुल सालाना खर्च 23,300 करोड़ रुपए बन रहा है, जबकि सरकार का कुल बजट घाटा ही सालाना 24,000 करोड़ रुपए है। वहीं किसानों को सरकार द्वारा पहले ही 7,000 करोड़ की बिजली फ्री दी जा रही है। उद्योगों को 5 रुपए यूनिट बिजली देने पर 23,000 करोड़ का खर्च अलग आएगा। इतने खर्चे को लेकर सवाल खड़ा होना तो लाजमी है। हर कोई पूछ रहा है कि आखिर इतना पैसा सरकार लाएगी कहां से। आए इस रिपोर्ट।